देश में गेहूं संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ऐसे इसलिए क्योंकि गेहूं का भाव मंडियों में एमएसपी से 40% तक ऊपर निकल चुका है। गेहूं की नहीं बल्कि आटे के भाव भी आसमान छूने लगे हैं। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं क्या है इसके कारण और कब तक इससे राहत मिलने की उम्मीद है। गेहूं का भाव एमएसपी के पार निकला है। गेहूं का होलसेल भाव 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है, जबकि एमएसपी से गेहूं के दाम 30 से 40 फीसदी ज्यादा हुए हैं। गेहूं का एमएसपी 20 रुपए 15 पैसे प्रति किलो है। बीते 4 महीने में 4 रुपए प्रति किलो तक गेहूं के दाम बढ़ चुके हैं। वहीं आटे के दाम भी 17 से 20 फीसदी बढ़े हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार के गेहूँ भंडारण में करीब 56% की कमी आई है। ये गिरावट उत्पादन घटने और निर्यात बढ़ने की वजह से दिखाई दे रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में गेहूं की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। तब भारत ने बड़ी मात्रा में कई देशों को गेहूं सप्लाई किया था। इससे सरकार के स्टॉक में कमी आ गई है और गेहूं का स्टॉक 14 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कीमतों पर असर आया है। दरअसल इस जंग की वजह से डिमांड और सप्लाई पर असर हुआ है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में गेहूं बड़ी मात्रा में होता है। सरकार ने इस साल मई में गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में वास्तविकता शिपमेंट पिछले साल की तुलना में दोगुना हो गया था। सरकार के पास 1 अक्टूबर 2022 को 2,27,00,000 टन गेहूं का भंडार था, जबकि इस अवधि तक बफर नियम 2,05,00,000 टन गेहूं के स्टॉक की जरूरत थी। वहीं देश में गेहूं की बुआई 5.4% बढ़ी है। बुआई बढ़ने से ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। 28 नवंबर तक देश में गेहूं की 1,52,00,000 हेक्टेयर में बुआई की गई है, जबकि गेहूं का रकबा 57% के पार पहुंच गया है। पिछले साल खराब मौसम के कारण नुकसान हुआ था और अधिक गर्मी से खेतों में लगी फसल भी झुलस गई थी। मध्य प्रदेश में 6,40,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है। वहीं राजस्थान में 5,67,000 हेक्टेयर में, जबकि पंजाब में 1,55,000 हेक्टेयर में, तो बिहार में 1,05,000 हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है, जबकि गुजरात में 78,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है और उत्तर प्रदेश में 70,000 हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है। फ्लोर मिलों का कहना है कि सरकार ओपन मार्केट के जरिए गेहूं को बेचे तो कीमतों में नरमी आ सकती है। 40,00,000 मीट्रिक टन, आपको बता दें कि 40,00,000 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री होनी चाहिए। कीमतें कम रखने के लिए गेहूं की बिक्री फिलहाल करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।